बिना ऑक्सीजन के सांस लेने की कल्पना कैसी होगी दोस्तों, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और आखिर यहाँ के लोग क्यों ऐसे ही रहते हैं? क्या यह यहाँ का कोई विशेष पहनावा है या फिर यहाँ पर प्रदूषित वायु का संकट मंडरा रहा है? यहाँ सभी लोग, फिर चाहे वो स्कूल जाते बच्चे हों या काम करते मजदूर या फिर दूल्हा दुल्हन, यहाँ तक कि घर के अंदर रहने वाले लोग भी यह मास्क पहन कर रहते हैं, आखिर क्यों? जानने के लिए जुड़े रहिए चैनल से और वीडियो अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को झट से दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जापान की राजधानी टोक्यो से 180 किलोमीटर दूर मियाकेजिमा आइलैंड की कहानी कुछ यही सच बयां करती है। यहाँ पर आपको हर व्यक्ति मास्क लगाए दिखेगा, कोई सिंपल मास्क नहीं दोस्तों, गैस मास्क। जी हाँ, गैस मास्क। यहाँ के निवासी 24 घंटे गैस मास्क लगाए रहते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ गैस मास्क लगाए रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस मियाकेजिमा आइलैंड पर माउंट आयामा नामक ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, जिसके कारण इस ज्वालामुखी से लावे के साथ अत्यधिक मात्रा में जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, जिस कारण लोग यहाँ पर सांस लेने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर जीवित रहने के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है और गैस मास्क को लगाकर ही दिनचर्या व्यतीत करनी पड़ती है। और जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ आते ही ऑक्सीजन की कमी खलने लगती है और तुरंत गैस मास्क लगाना पड़ता है। माउंट आयामा ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें इतनी जहरीली होती हैं कि इनकी चपेट में आते ही मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी लोक पर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर जीवन जीने के लिए काफी संघर्ष झेलना पड़ता है। आज के एपिसोड में आपने मियाकेजिमा आइलैंड की सुनी कहानी मिस्टर JS की जुबानी। लेकर आऊंगा फिर एक बेहतरीन एपिसोड का तोहफा आपके लिए जल्दी ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सायोनारा मेरे प्यारे साथियों।